हाय एंड हेलो बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर एक वीडियो बनाया था कि किस कॉलेज का कितना जा सकता है। तो इस वीडियो को बच्चों ने गलत समझ लिया। उन्होंने ये समझा कि मैंने यहाँ पे कोरबा लास्ट में लिखा है, तो उन लोगों ने समझा कि कोरबा सबसे लास्ट में आता है। मैंने तो बेटा ऐसा कभी बोला ही नहीं कि कोरबा लास्ट में आता है, कि कांकेर आता है, कि महासमुंद आता है। तो बोलोगे सर भाई आपने कट ऑफ तो महासमुंद का ज्यादा बताया है, कोरबा का कम बताया। अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे तो मैंने ये बताया हुआ है कि लास्ट के तीन कॉलेज इक्विवेलेंट है, मतलब वो आपकी चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर महासमुंद की जगह आप कोरबा कर लेंगे तो कोरबा का एक कट ऑफ चला जाएगा, तो महासमुंद यहां आ जाएगा। मतलब चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग क्या कर रहे हैं। अगर आप मान के चलिए कोई बच्चा, ये मैंने बता दिया मेरी चॉइस फिलिंग है, आई आपकी हो भी सकती नहीं भी हो सकती, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, डाउट इन तीन कॉलेज में। तो बेटा तीनों कॉलेज अपने बेस्ट है, मैं किसी कॉलेज को ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा है कि कोई बुरा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके 542 प्लस मार्क्स है, मतलब कहने मतलब ये 530 प्लस है, तो इन तीनों में से आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, कन्फर्म बात है। ठीक है, हाँ अब हो सकता है कि कोरबा के लिए तुम्हें 540 चाहिए पड़े, हो सकता है महासमुंद के लिए 540 चाहिए पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग ऐसी होगी कि कुछ लोग हाई मार्क्स वाले महासमुंद को आठवें नंबर पे डालेंगे, कुछ लोग कोरबा को डालेंगे, कुछ लोग कांकेर को डालेंगे, इस टाइप से रहेगा चॉइस फिलिंग। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर हम ऐसी चॉइस फिलिंग करते हैं तो कोरबा को 530 जाएगा, अगर हम कोरबा को यहाँ ले आते हैं और महासमुंद को यहाँ ले जाते हैं तो फिर महासमुंद का 530 जाएगा, और कांकेर को अगर हम ऊपर ले आते हैं तो कांकेर का 542 जाएगा। मतलब देखो इन मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाएंगे, मतलब अगर आपका 530 प्लस है ना तो आपको तीनों कॉलेज मिल जाएंगे, आपको महासमुंद भी मिल जाएगा, आपको कांकेर भी मिल जाएगा, आपको कोरबा भी मिल जाएगा। तो बेटा ये तो चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है ना। मैं ये बता नहीं सकता हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा ना। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि मुझे बताना था कि कोरबा लास्ट में आता है, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो चॉइस फिलिंग थी मेरी, अगर मैं चॉइस फिलिंग ऐसे करता हूँ तो ये कट ऑफ जाएगा। अब कोई बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चे अगर कोरबा को यहाँ पे रखते हैं तो फिर कोरबा का ये कट ऑफ चला जाएगा, महासमुंद को लास्ट में रखेंगे तो उसका कट ऑफ वो चला जाएगा, तो वो चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करेगा ना। तो मेरे कहने का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था बेटा। तो आप लोग पहले वीडियो को सुना करो, समझने की कोशिश किया करो। ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला कि कोरबा लास्ट में आता है, महासमुंद ऊपर आता है या कांकेर। मैं तो ये बताया, अभी तक ऐसा वीडियो कोई भी बनाया ही नहीं जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कौन। देखो कॉलेज अच्छा बुरा कुछ नहीं होता बेटा, कॉलेज वहां के बच्चों से होता है। अगर यही जो अभी जेएनएम में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उसको मैं कांकेर महासमुंद कोरबा कहीं भी भेज दूं ना तो वो जेएनएम बन जाए कुछ समय बाद, क्योंकि कॉलेज बच्चों से बनता है बेटा। टीचर्स तो क्या है, जो जेएनएम में पढ़ा रहे वो कोरबा चले जाते, कोरबा में जो पढ़ा रहे वो महासमुंद चले जाते, महासमुंद में जो पढ़ा रहे वो अंबिकापुर चले जाते। तो टीचर्स